नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलनों को अब हर वर्ग अपना आंदोलन मानकर चल रहा है और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर सहयोग देता दिखाई दे रहा है, ताकि किसानों का हौसला ना टूटे और वह दिल्ली फतेह करके ही वापस आए। इसी के चलते बटाला के गुरुद्वारा अर्बन स्टेट से सुबह 6 बजे एक जत्था बस में सवार होकर दिल्ली संघर्ष के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में नौजवान और बुजुर्गों के साथ साथ भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। प्राइम न्यूज 24 की टीम ने इस जत्थे के लोगों समेत महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि किसान भाई पिछले 1 महीने से दिल्ली में कृषि कानूनों जैसे काले कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ भारी सर्दी में सड़कों पर ही आंदोलन कर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही और किसान भाइयों के इस आंदोलन में हम उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं और अपने साथ किसानों के लिए देसी घी से बनाई गई 600 किलो अलसी की पिनियां, गद्दे, बूट, जुराबे, पानी की पेटियां, खाने का सामान लेकर जा रहे हैं, ताकि वहां चल रहे लंगरों में सहयोग दे सके और किसानों का हौसला बना रहे। इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आ सके। वहीं उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये आंदोलन अब जीत कर ही वापस होगा। कहना कि जो मोदी सरकार नु दसना चाहते कि सिख कौम की हुंदी आ, उन्हूं पता लगे है ना। इन्ना कह डा रहा, इन्नी सर्दी में साढ़े वीर भरा उत्थे बैठे किसान बैठे आ, पूरा वर्ल्ड हाहाकार कर रहा, इन्हू बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। मोदी सरकार नू दसना चाहते हाँ कि ये मत सोचे कि इतने 10 दिन बह के महीना दो महीने बह के वापस चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जिन्ना चिर साढ़े कानून ये वापस नहीं करता उन्ना चिर हिलण वाले नहीं सिख। कोई भी सारे किसान एक ने, सारी दुनिया एक आ, एक मोदी कला वखरा एक आ छड़ा। असी सारे किसानां दे नाल आ, जो भी उन्होंने चीज़ चाहिए आ असी मगरों पहुँचावे उन्होंने। अं कहने वीर जी तुम डटे रहो, भैन ढड़िया बस अं सारे उन्होंने नाल हाँ, भैन भरा उन्होंने जो भी वो सानू कोई हुक्म करे सू कोई कोई भी उन्होंने जरूरत है अं पूरी करने की कोशिश करा। अं अपने वीर भरावान का जरा हौसला बधाने लई, क्योंकि चढ़ती कला च रहन अं उन्होंने साथ नाल हाँ। तो दिल्ली अगे भी 19 बार सिंह ने फतेह की है, तो हूँ भी उन्होंने करनी। असी सारी संगत किसानों का हौसला बढ़ाने लई दिल्ली बार्डर ते जा रहे हैं, तो इस करके सारी संगत वालों पिनियां जो देसी घ्यो बनाई गई संगत वालों तैयार करके गद्दे होर जरूरी समान लैके संगतों का हौसला बढ़ाने लई टिकरी बार्डर संभी बार्डर ते जा रहे हैं। सारे ने साथ दे के ये अलसी तैयार की सी भी ये पोह का महीना, ये पोह के महीने के ठंड बहुत ज़्यादा होंगी है, तो साढ़े जिन्ने भी साढ़े बजुर्ग आ हमेशा ही जो सियाल हों उदों अलसी बनाते हैं, अलसी बना के खाते हैं, क्योंकि जोड़ा शरीर तंदुरुस्त रहा है। ये इन्हों का उपराला भी असी अलसी तैयार करनी है, अलसी तैयार की असी वास्ते अपने बजुर्गों वास्ते भरावान वास्ते जिन्होंने अज 1 महीना 4 दिन हो गया उत्थे संघर्ष करदे आ। जिहड़े मोदी सरकार ने 3 काले कानून जिहड़े आ साडे किसानी वास्ते लियांदे आ उन्हूं रद्द कराउण वास्ते जिहड़ा संघर्ष कर रही है साडी समुची सिख कौम, जिन्नियां किसान जथेबंदियां साडी। मेरे सत्कारयोग वीरां ने खालसा एड वास्ते बूट जराबां ये भेजियां, पानी उन्होंने कहा सी भी दिल्ली दा पानी थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही आ, ते सानूं पानी भी जिहड़ा इत्थों जिहड़ा पानी भेजो वो असीं पानी भी लिया उन्हां वास्ते। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।